सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो चुनौती देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 9 नवंबर को, उस फैसले को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो चुनौती देगा। रिव्यू पिटीशन जो है उसको फाइल करेगा। काफ़ी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे अयोध्या फैसला आने के बाद से कि क्या मुस्लिम पक्ष जो है वो रिव्यू पिटीशन दायर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आज लखनऊ में अहम बैठक हुई। अहम बैठक में जो है इस बात का फैसला लिया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो इस फैसले को चुनौती देगा। आपको हम ये भी बता दें कि 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को देने का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम्स के हक में, लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो है ये ज़मीन लेने को भी इनकार कर दिया है। मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है वो मना कर दिया है कि उनको अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन नहीं चाहिए। इससे फैसला जो है वो जितने भी लोग आज की मीटिंग में शामिल थे उनकी मंजूरी से लिया गया है। ये दोनों बड़े फैसले जो हैं वो आज की मीटिंग में लिए गए हैं, जबकि इस बोर्ड में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि दोबारा रिव्यू पिटीशन ना डाली जाए। कल्बे जावेद की भी ये अपनी पर्सनल राय थी कि एक विवाद था, ये विवाद ख़त्म हो गया, अब दोबारा जो है वो किसी तरह का रिव्यू पिटीशन नहीं डालना चाहिए। हालांकि ये एक उनकी निजी राय थी। जिलानी साहब का कहना यह है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने काफ़ी बातों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये जो थी ये मस्जिद थी, पहले ये मस्जिद थी, इसको जो है वो बाबर के कहने पे मीर तकी ने बनवाया था, और यहाँ तक कि उन्होंने एएसआई का भी हवाला दिया है कि एएसआई ने पुख्ता तौर पे नहीं कहा गया है कि ये जो विवादित ज़मीन थी यहाँ पहले मंदिर बना हुआ था, क्या यहाँ मंदिर तोड़कर जो है वो मस्जिद बनाई गई, क्योंकि पूरी तरीके के सबूत जो थे वो यहाँ नहीं मिलते हैं कि किसी मंदिर को तोड़ के जो है यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ तक कहा कि मूर्तियाँ गैर कानूनी तौर पर रखी गई थी, गैर कानूनी तौर पर मूर्तियों को रखना भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाना ये साबित नहीं है, और मस्जिद को जो तोड़े जाना ये भी जो है गैर कानूनी है, ये सारी बातें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। जुलानी ने कहा कि वक्त एक्ट के मुताबिक जो मस्जिद की ज़मीन है उसको कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जहां पर एक बार नमाज हो गई वो जगह मस्जिद की है, मस्जिद को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसलिए जो 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में दी गई है उसको नहीं लेंगे। तो बड़ी खबर जो है ये लखनऊ से आ रही है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक से। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, और अगर आप Twitter और Instagram पे इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें।